यस स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम. आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, नॉट ओनली फॉर आईआईटी जेई, ये किसी भी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर हम देखें तो कोई भी एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम होगा तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी जरूर मिलेगा. तो इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैथमेटिकल टॉपिक नहीं है, लॉजिकल टॉपिक है. और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होता है. और लास्ट जो मैंने आपके रिविजन सेशंस लिए उनको ध्यान से देखिएगा. बहुत ही मिनिमम टाइम में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिवीजन क्लास था वो आपने देखा होगा, मिनिमम टाइम में आपका पूरा रिवीजन भी करवाया और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए. बिल्कुल ऐसे ही बाइनोमियल में किया था, ऐसे ही क्वाड्रेटिक में किया था. यही कोशिश मैं पीएनसी में करूंगा कि मिनिमम टाइम में आपका कंप्लीट रिवीजन भी करवाऊं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करूं. बट एक चीज याद रखिए, क्विक रिवीजन का मतलब होता है कि मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, यही टॉपिक को. क्योंकि पीएनसी तो एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे कम से कम 15 से 20 क्लास लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक, और जितनी इसकी प्रैक्टिस की जाए उतना कम है. ये इस तरह का टॉपिक है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा क्योंकि आप लोग चाह रहे थे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, तो पहले पीएनसी और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी का हम रिवीजन करेंगे जिससे आप अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर पाओ. तो मैं आपको पहले एक बेसिक थ्योरी बताऊंगा, बेसिक थ्योरी बताने के साथ फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. तो आपका अपने आप कमांड आ जाएगा, बहुत अच्छे से टॉपिक को समझिएगा पूरा सेशन. और जो प्रीवियस क्विक रिवीजन सेशंस है अगर नहीं देखे तो उनको देखिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में, क्योंकि अब देखिए जेई का एग्जाम आने वाला है, अभी एनडीए का भी आने वाला है, सारे एग्जाम निमसेट का भी एग्जाम आने वाला है, तो आपको ये सेशन बहुत हेल्प करने वाले हैं. सबसे पहले अगर हम पीएनसी की बात करें तो मैं एक बात आपको सबसे पहले बोल दूं कि अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया है तो आपसे हाईएस्ट मिस्टेक होने वाली है. इसलिए मैंने हमेशा बोला है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप लॉजिकल तरीके से करें, सिस्टमेटिक तरीके से करें और समझें. तो वही चीज़ कोशिश करेंगे कि हम क्विक रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कशन करें और जहाँ जहाँ आपके जो पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है वो मैं आपकी डिस्कस करता हूँ चलूँगा. आप खुद देखोगे जेई के सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा, आप चाहो तो वो साइट से भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का अप्रोच बहुत ही सिंपल तरीके से हम कवर करेंगे. और मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ें कैसे उसको सिंपल कर सकते हैं. जितने भी टफ टॉपिक या कंफ्यूजिंग टॉपिक होते हैं मुझे हमेशा वो पढ़ाने में मजा आता है, लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स नंबर. आप देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम टाइम में रिवीजन भी किया और जेई के क्वेश्चंस भी किए. तो मैं आपको ये हमेशा से बोलता आ रहा हूँ और फिर बोलूंगा कि गाइडेंस सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट बिल्ड करने की जरूरत है और इतने स्ट्रांग कंसेप्ट बनाओ कि आपसे क्वेश्चंस बनने लगे. आपने गाइड सॉल्व कर लियो फिर भी आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं. आज इंपिटस ग्रुपों से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन कोर्स से क्लासरूम कोर्स से जुड़े हुए हैं और सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अब देखिए क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं परम्यूटेशन की. तो परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन. यानी जब हम अरेंजमेंट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे परम्यूटेशन और जब हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन. इन दोनों में डिफरेंस क्या समझ लीजिए. सबसे पहले अगर हम बात करें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको एक आइडिया लगे कि ए बी सी थ्री लेटर्स हैं और थ्री लेटर वर्ड बनाना है. तो जब भी वर्ड की बात होगी तो क्या होगा, जैसे ए बी सी ए सी बी बी सी ए बी ए सी सी ए बी सी बी ए, ये सब केसेस होंगे. ये इसमें कोई भी केस में रिपीटेशन नहीं हुआ. अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो ऐसा होगा ए बी ए बी ए बी ए ए ए ए ए और भी चलते जाएंगे. पर जब जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5, अब सपोज 2 डिजिट नंबर बनाना है तो क्या होगा 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5, इनका रिपीट रिवर्स भी हो सकता है 2 1 3 1 4 1 5 1 3 2 4 2 5 2 4 3 5 3. और ये नॉन रिपीटेशन है. नॉन रिपीटेशन का क्या मतलब है पहले समझ लीजिए. रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन का मतलब है कि जब रिपीटेशन अलाउड की बात की जाए तो जो नंबर या जो ऑब्जेक्ट हमने एक बार लिया उसको रीयूज कर सकते हैं. नॉट का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट या एक नंबर को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते. अब इन जनरल अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो हम डिफॉल्ट केस को रिपीटेशन अलाउड मानते हैं एंड डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि किस क्वेश्चन की किसके लिए बात कर रहे हैं. क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कंसेप्ट की ही प्रॉब्लम आती है सारी, वही कोशिश करूंगा कि वो ना आए. अब देखिए जैसे रिपीटेशन यहाँ अलाउड होता है तो 1 1 भी हो सकता था, 2 2 भी हो सकता था, 3 3 भी हो सकता था, 4 4 भी और 5 5 भी. और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर एक बार क्लियर हो गया तो समझ लीजिए आपने एक्चुअल में आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रहे, आप प्रोबेबिलिटी ही पढ़ रहे हैं. बस प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो भी मैं आपको आइडिया देता हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग की हम बात करते हैं तो वो होता है फेवरेबल केसेस अपॉन
टोटल केसेस। अब फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस का क्या मीनिंग है समझिएगा, कि टोटल केसेस जो परम्यूटेशन से निकालते हैं, फेवरेबल जो क्वेश्चन में बोला है, यानी पी एंड सी का एडवांस फॉर्म हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम केवल रेशियो देखते हैं और परम्यूटेशन में हम सारे केसेस निकालते हैं। अब कॉम्बिनेशन की हम बाद में करेंगे। अब कॉम्बिनेशन में अगर मैं बोलता कि टू नंबर की रिक्वायरमेंट है, सेलेक्ट टू नंबर, तो वो टू नंबर क्या हो सकते थे, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 एंड 4 5, ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में 1 2 या 2 1 एक ही बात है, क्योंकि हम उसमें अरेंजमेंट का ध्यान नहीं रखते। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, एक बात। दूसरी बात, अभी आगे जाके ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें परम्यूटेशन विद कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट भी लगेंगे, इन द मीन्स कि आपको कई बार ऑब्जेक्ट ज्यादा दिए होंगे और कम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। जैसे सपोज यहाँ पर 10 चेयर है और 100 स्टूडेंट में से 10 चेयर्स पे बच्चों को बिठाना है, तो पहले मैं 100 में से 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगा एंड देन उन्हें अरेंज करूंगा, ये एक बोलते हैं हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये सारे पोर्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। कोशिश करूंगा कि सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाएं, और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अगर ये सेशन आपने पूरा अटेंड कर लिया तो जो भी क्वेश्चंस आप एग्जाम देने वाले हो उसके बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे, कोई कारण ही नहीं ना बने। आप जितने पिछले सेशंस भी लिए उनको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझते हैं हम सबसे पहले कि परम्यूटेशन में करना क्या होता है। एक तो ये फॉर्मूला भूल जाए, परम्यूटेशन के क्वेश्चंस हम लॉजिकल तरीके से करेंगे, और वो लॉजिकल तरीके में एक बेसिक रूल पहले समझते हैं और फिर क्या क्या चीजें आपको समझानी वो बताऊंगा। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल मीन्स देयर आर टू रूल्स, रूल नंबर 1 इज सम रूल, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को इसी रूल से करेंगे, एंड रूल नंबर 2 इज प्रोडक्ट रूल। अब सम रूल का कीवर्ड है और या एडिशन, जब भी और आए तो हम एडिशन या और आए, और प्रोडक्ट रूल का कीवर्ड है एंड या मल्टीप्लीकेशन, राइट। फिर से सुनिएगा, सम रूल का कीवर्ड है और या प्लस, प्रोडक्ट रूल का कीवर्ड है एंड या मल्टीप्लाई। मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी सम रूल की बात होगी तो और या प्लस करेंगे, प्रोडक्ट रूल की बात होगी तो एंड। अब इनको कैसे किया जाएगा समझिएगा जरा ध्यान से कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। अब जैसे ये 3 लेटर वर्ड बनाना था, तो 3 लेटर वर्ड कैसे बनाएंगे ए बी सी को, सुनिए। अब मान लीजिए रिपीटेशन नॉट अलाउड है, राइट। थोड़ा स्पीड ज़्यादा मेरी रहती है वो इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, बाकी रेगुलर क्लास में नॉर्मल में मैं बहुत ही स्लो आराम से ही करता हूँ। अभी भी कोशिश करूँगा कि आपको सब चीज़ें क्लियर हों। तो अब रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करें तो 3 लेटर वर्ड बनाना है, फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, ए और बी और सी, यानी जब भी और लगे, रिमेंबर जब भी और लगे तो याद रखिएगा कि प्लस होगा, तो यानी फर्स्ट प्लेस के लिए 3 पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट प्लेस पे अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो एनी वन नंबर यूज या लेटर, तो नेक्स्ट प्लेस के लिए 2 पॉसिबिलिटी एंड नेक्स्ट के लिए 1 टोटल। अब 3 लेटर वर्ड बनाना है, दिस एंड दिस एंड दिस, सारी टेक्निक सारी ट्रिक्स सब क्लियर होगी अभी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक। 3 × 2 × 1 कितना हो गया, 6। अब सपोज रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता, सिंपल है। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो आप समझिए पहले प्लेस पे भी 3, अगले पे भी 3, अगले पे भी 3, 3 × 3 × 3 यानी 27। अब याद रखिएगा ये 6 कोई नंबर नहीं है, 6 पॉसिबल अरेंजमेंट है, 27 नॉट अ नंबर, 27 पॉसिबल अरेंजमेंट है, राइट। अब जैसे यहां पर 2 डिजिट के नंबर बना है, तो 2 डिजिट के नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2 डिजिट में देखिए क्या होगा। सबसे पहले समझिए, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो पहले प्लेस पर 5 और 4 यानी 20 केसेस बनेंगे। ये 20 नंबर नहीं है, 20 केसेस हैं। तो क्या होंगे, देखिए 20 केसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 ये 3 ये 3, और ये देखिए इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, कोई कम तो नहीं हो रहा है, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5, एक मैंने नहीं लिखा था, जैसे 4 5, तो इसका रिवर्स भी होगा 5 4, ये देखिए। तो यानी ये 20 पॉसिबल केसेस बनेंगे इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये नंबर नहीं है। और मान लीजिए नंबर होता, इसीलिए हमेशा याद रखिए एक ऑर्डर से लीजिएगा तो आप समझ पाएंगे आपकी सिक्स का हो रही। और मान लीजिए रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता, 5 × 5 25, तो ये 25 में ये 5 और बढ़ गए। तो रिपीटेशन अलाउड में एक चीज याद रखिएगा, नॉट अलाउड और अलाउड दोनों आते हैं, नॉट अलाउड एक पर्टिकुलर केस है, इसे हम बोलते हैं कंडीशनल परम्यूटेशन।
तो मैं आपके साथ धीरे धीरे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आपका कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा, और मोस्टली क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगा वो किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होंगे, जेई के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पूरे डिस्कस करूंगा, जिससे आप समझ पाए कि इस टॉपिक्स पे कैसे कमांड बनेगा। नोट कर लीजिए पहले ये। यस, तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको समझना है, कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं वो सब बताता हूँ चलूंगा। और पहले एक बार बेसिक ग्राउंड आपका इस पे कवर कर दूँ, उसके बाद फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आएंगे। और देखिए आप जैसे सपोज राइट डाउन वन क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ चलता हूँ, आप लोग लिखते चलिए। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर, माई क्वेश्चन इज हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। सपोज रिपीटेशन ऑफ नंबर नॉट अलाउड, अभी हम 4, 5 क्वेश्चन ऐसे करते हैं और सेकंड है रिपीटेशन अलाउड। अब आपको सपोज मैंने बोला हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, इस मीन्स कि थ्री डिजिट के नंबर बनाने हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 की हेल्प से बने, और पहला केस है रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट प्लेस के लिए हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट प्लेस के लिए 5 पॉसिबिलिटी, आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5। नेक्स्ट प्लेस की जब बात करेंगे तो 4, एंड नेक्स्ट प्लेस की बात करेंगे तो 3। दिस एंड दिस एंड दिस, याद रखिएगा सिंगल प्लेस पे और यूज होता है, 2 एंड मोर देन 2 प्लेस पे हमेशा एंड होता है। पूरा कंसेप्ट अगर आपने और एंड पे बना लिया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, और एंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। यस, तो यहाँ पर टोटल केस देखें तो 60। अब आपसे जब कोई बोले 60 क्या है, सारी कंफ्यूजन ही है कि हमें पता नहीं होता कि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कर क्या रहे हैं। बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसके एप्लीकेशन हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, लाइक मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, पिन कोड नंबर, एसटीडी नंबर, डिक्शनरी, डायरेक्टरी, ये सब परम्यूटेशन के एग्जांपल। इसीलिए कभी कोई 2 पिन कोड नंबर सेम नहीं होते, 2 मोबाइल नंबर सेम नहीं होते, क्योंकि पहले उन्हें अरेंज किया जाता है एंड देन डिस्ट्रीब्यूट, तो सेम हो ही नहीं सकते। अब ये 60 मतलब कोई नंबर नहीं है, 60 पॉसिबल अरेंजमेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मैं पूछूँ कि इसका मतलब क्या है तो आप बोलोगे कि 1, 2, 3 सबसे लीस्ट नंबर ही होगा, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, काउंटिंग नहीं लिख रहा है, इन नंबर से बनने वाले लिख रहा है। तो ऐसे लिख के काटना भी है कि पता हो कि क्या है और क्या नहीं है। और अगर मैं बोलूं सबसे लास्ट नंबर क्या होगा तो आप बोलेंगे 5, 4, 3। इसी केस में मैं बोलूं कि रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता, तो सिंपल 5, 5, 5 एंड दिस इज 125। अब जैसे यहां पर मैं बोलूं 111 होता केस तो आप बोलते नहीं होता, पर यहां का सबसे छोटा केस होगा 111, 112 सब मिला के 5, 5, 5। अब आगे जाके सोचिए अगर यही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आए कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, फाइंड प्रोबेबिलिटी, बस ये वर्ड लिखा जाएगा, इफ नंबर नॉन रिपीटेड, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, नंबर नॉन रिपीटेड, तो ये हो गया 60 और टोटल केसेस इज 5, 5, 5। यानी अगर आपने पीएनसी पे कमांड कर लिया तो मान के चलिए कि आपका आधा प्रोबेबिलिटी हो गया। बाकी पीएनसी प्रोबेबिलिटी में बहुत प्रैक्टिस लगती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बिना प्रैक्टिस, क्योंकि इसके लिए मैं दोनों ही टॉपिक को बहुत ही डिटेल में जब कवर करता हूँ, जब जाके होता है 500 से 1000 प्रॉब्लम जब तक नहीं करोगे टॉपिक्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं आएगा। पर अभी क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा होगा तो बताता हूँ चलता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन बात करते हैं, हाउ मेनी 4-डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5। रेगुलर क्लास में, नॉर्मल क्लास में क्या होता है, हर टाइप पे कम से कम 10-10, 20-20 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के करते हैं जब आते हैं। अब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है तो मैं आपको हर एक केस से कवर करते हुए चलूंगा। अब देखिए आपसे बोला हाउ मेनी 4-डिजिट नंबर, अब 4-डिजिट नंबर मतलब लाइक दिस, 4 डिजिट ले ले, पहला केस लेते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड एंड केस नंबर 2 इज रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अब सपोज रिपीटेशन नॉट अलाउड है, अगर हम समझे तो आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब भी याद रखिए क्वेश्चन में 0 आ जाए, यहाँ पे केयरफुल हो जाइए, मिस्टेक वाला क्वेश्चन होता है जिसमें 0 आता है, तो आपको यहां पर केयरफुल रहना। अब देखिए 0 आ रहा है इसमें, तो एक बात समझिए, पहले प्लेस पर क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि आपने अगर ये लिखा तो ये 3 डिजिट है। आप खुद करिए, जब भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करें तो ये सोचिए कि कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। जब जैसे ही ये हमारे दिमाग में आएगा मुझे करना है, आपके क्वेश्चन राइट होंगे। तो अब क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 1, 0, 2, 3, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये 4 डिजिट नहीं है, राइट, ये 4 डिजिट है, तो इसका मतलब पहले प्लेस पर आपको 0 नहीं मिलेगा, यानी स्टार्टिंग प्लेस के 0 को छोड़ दें तो पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबिलिटी, 5, 0 एक्सक्लूड कर दिया, बट नेक्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है। एग्जांपल ऐसे लीजिए कि कंफ्यूजन दूर हो जाए, तो नेक्स्ट प्लेस पे 0 आएगा, बस एनीवन एक्सक्लूड,
केस नंबर वन देख रहे हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड. तो नेक्स्ट प्लेस पे कितना आएगा? तो नेक्स्ट प्लेस पे आएंगे 5 पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 3, 25, 100, 300. अब 300 क्या है? नंबर नहीं है, 5 भी नंबर नहीं है, ये 4 भी नंबर नहीं है, ये क्या है? पॉसिबिलिटीज है. यहाँ पर सारा खेल वही है. तो ये 300 में मैं बोलूँ सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1023, 1024, ऐसे 1025, 1026 नहीं होगा क्योंकि 6 नहीं है, 1111 ये भी नहीं होगा. अब इसी केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नंबर अलाउड, तो क्या होगा? अब जब रिपीटेशन अलाउ की बात करेंगे तो पहले प्लेस पर अभी भी 5 ही रहेगा, भले ही रिपीटेशन अलाउड है. ये हो सकता है 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नहीं हो सकता, या ये 4 डिजिट नहीं हो सकता, ये 4 डिजिट हो सकता है, यानी स्टार्टिंग नंबर कभी भी 0 हो ही नहीं सकता. तो पहले प्लेस पर 0, 5 पॉसिबिलिटी. नेक्स्ट प्लेस की जब मैं बात करूंगा तो ऑल नंबर यूज हो सकते हैं, 666, यानी 216 × 5. तो आपको क्वेश्चंस को समझते हुए चलना है कि किस ढंग से क्वेश्चंस को हम स्पीड में करें, किस ढंग से हम कंसेप्ट बनाए कि हमारे क्वेश्चंस होते जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम. हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, समझिएगा, माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर मोर देन, थोड़ा अलग केस लेते हैं, मोर देन 200 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंड केस नंबर 1 रिपीटेशन नॉट अलाउड, दूसरा रिपीटेशन अलाउड, राइट. माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर मोर देन 200 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब यहां पर 2 कंडीशंस लगी, एक कि नंबर ग्रेटर देन 200 हो, राइट, एक कि नंबर ग्रेटर देन 200 हो, समझना ध्यान से, कि 200 से बड़ा हो और 3 डिजिट का हो. इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर एक बात समझें कि पहले प्लेस पर क्या आ सकता है. ये 3 डिजिट है, आप देखिए 0 को छोड़ दीजिए, अब तो ये भी 3 डिजिट है, बट ये हमारे नंबर का पार्ट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि लेस देन 200 है, ये हमारे नंबर का पार्ट है, ये हमारे नंबर का पार्ट है, यानी स्टार्टिंग प्लेस पर 1 नहीं आ सकता. मान लो अभी 200 की जगह मैं इसको 400 कर देता, मान लीजिए, तो मैं बोलता 1, 2, 3 नहीं आ सकता. तो ये ध्यान रखिए, अभी जो लिखा है वही करते हैं कि जो नंबर बोला है वो ध्यान रखिए. तो यहां पर पहले प्लेस पर आपके पास 1 छोड़ के कितनी पॉसिबिलिटी, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 पॉसिबिलिटी पर नेक्स्ट पे 1 आ सकता है. देन पर एक एक्स यूजिंग, एक यूज हो गया, तो एक यूज हो गया तो कितने बचे, फिर 5 एंड 4, दिस इज 100 नंबर नहीं है, फिर बोलूंगा अरेंजमेंट है. सबसे छोटा नंबर ये बनेगा 213, ऐसे बनते जाएंगे. अब सपोज इसी केस में रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता, तो भी यहां पर अभी भी वही पॉसिबिलिटी, यहां पर 6 और 6 हो जाता. अब एक और चीज समझिएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलिएगा, 180 आ गया. मैं क्योंकि हम क्विक कर रहे हैं, अब ये कैलकुलेशन वाले पार्ट को आप देखते चलिएगा, जिससे कि हमारा टाइम सेव हो. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. अब मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स मोर देन 400 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट. हाँ, 0 आए वहां पर केयरफुल हो जाइए. यही एक चीज है जो समझनी है. कई बार डिक्शनरी प्रॉब्लम से कंफ्यूजन होता है. मैं आपको बताऊंगा कि डिक्शनरी प्रॉब्लम आप बहुत क्विकली कर सकते हैं, वह शर्त है कि आप किस ढंग से करें. देखिए, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 400 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. केस नंबर 1 वही सेम, रिपीटेशन नॉट अलाउड. केस नंबर 2 इज रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड. क्या होगा समझिएगा, पहले प्लेस पर, अब पहले प्लेस पर 401 रिपीटेशन नॉट अलाउड में 401 से स्टार्ट होगा, 402, 403 ऐसे चलेगा. मैं आपको बताऊंगा मिस्टेक एरिया भी क्या होता है. वो मिस्टेक एरिया समझ में आ गया तो प्रॉब्लम नहीं होगी. तो सबसे पहले हम बात करें कि फर्स्ट प्लेस पे क्या आ सकता है. तो फर्स्ट प्लेस पर 4, 5 या 6, 3 पॉसिबिलिटी हुई. ठीक है, आप ही खुद कर रहे हैं, सारा कंफ्यूजन यहां से स्टार्ट होता है. एनपीआर या जो फॉर्मूले दिए उससे उसको हटाई दो, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से सोचो, कोई भी एग्जाम दे रहा आपको बनेगा. अब देखिए, पहले प्लेस पे आपने क्या करा कि 4 को हटा ही दिया, सॉरी 0, 1, 2, 3 को हटा दिया. तो पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 3. नेक्स्ट प्लेस की अगर हम बात करें तो एक कोई भी नंबर कम हुआ होगा, तो 6 एंड दिस इज 5, राइट, ये 90 हुआ. यहाँ का अगर मैं बोलूँ सबसे छोटा एग्जाम्पल बताओ, तो आप बोलते 401, 402, ऐसा चलता जाता. अब सपोज रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होगा,
अब आपसे क्या मिस्टेक हो सकती है वो भी बताता हूँ। कई लोग इसमें माइनस वन कर देते हैं, मैं ये एग्जांपल लिखवा इसलिए रहा हूँ कि क्या क्या चीजें कर रहा हो, क्या हो रहा है, अगर वो पता होगा तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। अभी बस मुझे बेसिक बताने दो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जेई के, आपको खुद लगेगा कि कितने इजीली बन रहे हैं एनडीए के, आप एकदम देखते ही कर लोगे, नेमसेट के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अब देखिए यहां पर अगर हम समझें तो पहले प्लेस पर क्या आ सकता है, वही थ्री पॉसिबिलिटी, अगले पर सिक्स नहीं 1 2 3 4 5 6 7 7 और ये 7 यानी 49 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 49 × 3 यानी 147 49 × 3 147। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा कि अब ये जो आपने लिखा 147 इसका लीस्ट नंबर होगा 400 401 402, ऐसे चलता जाएगा, पर मैंने क्वेश्चन में बोला था मोर देन 400। अब इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक है, ऑप्शन ए लिखा होगा 147, बट ध्यान दीजिए 400 हमारे नंबर का पार्ट नहीं है, तो आपको अलग से 147-1 यहां लिखना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग 400 यानी 146 इज अ राइट आंसर, जो श्योर होगी मैं बी में दिया होगा। पर फिर कोई भी यहां पर स्टैंडर्ड थंब रूल मत बनाना कि जब ऐसा हो तो रिपीटेशन अलाउड, तो माइनस वन करते हैं प्लस वन करते हैं, सब चीजें करती है डिपेंड क्वेश्चन। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं कि ये माइनस वन की भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, कई लोग याद कर लेते हैं माइनस वन करना है, प्लस वन करना है, फ्रॉम बिटवीन में टू ऐड करना है, टू सबट्रैक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं। कंसेप्चुअली सोचिए क्या कर रहे हैं, अगर वो करने पर कोई चीज एक्स्ट्रा आ रही तो सबट्रैक्ट करिए, नहीं आ रही तो ऐड करिए, पर अपनी तरफ से कुछ मत करिए। जैसे मैं आपको बोलूं कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर लेते हैं, फिर वो भी देता हूं आपको एक केस, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 4 5 6। अब केस नंबर वन की बात करता हूं रिपीटेशन नॉट अलाउड, एंड केस नंबर टू की बात करता हूं रिपीटेशन अलाउड, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो क्या होने वाला है वो समझ लेते हैं। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है सिंपली, पहले प्लेस पर आपको पता है ग्रेटर देन 300 इज स्टार्ट फ्रॉम, क्या कर रहे हो ये पहले लिख लिया करो, आपकी काउंटिंग 300 वन से स्टार्ट होगी और थ्री डिजिट है तो लास्ट यहां तक जा सकती है, यानी स्टार्टिंग पे 3 4 5 6 7 8 या 9 में से कोई नंबर आएगा। बट अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो थ्री पॉसिबिलिटीज है, एक कोई कम हुआ तो देन नेक्स्ट प्लेस पर 5, देन नेक्स्ट प्लेस पर एक और कम हुआ तो 4, 20 × 3 = 60। अब अगर मान लीजिए रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता है, 60 का सबसे छोटा नंबर बनेगा 401 402। अब जो मिस्टेक हो रही है वो बता रहा हूं मैं आपको कि अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता, तो सबसे पहले हम समझें कि यहां पर अभी भी थ्री पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट पर सिक्स 36 × 3 यानी 108। अब इस 108 में बहुत कॉमनली लोग मिस्टेक कर देते हैं, वन कर दिया माइनस, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि माइनस करना ये सब डिपेंड ऑन क्वेश्चन होता है, वो चीज अगर एक बार आपने समझ लिया आपकी मिस्टेक खत्म हो जाएगी। तो अब यहां पर समझिए क्या होगा, यहां पर आप समझिए सबसे पहले छोटा नंबर सबसे पहले बना होगा 400, फिर 401 ऐसे बने होंगे, तो इसमें 300 बना ही नहीं, तो माइनस वन क्यों करना है वो पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है कि माइनस वन हम कर क्यों रहे हैं बेसिकली, तो फिर प्रॉब्लम आने वाली ही है। तो माइनस वन इसलिए करते हैं कि वो नंबर वहां पे एक्स्ट्रा हो रहा था, यहां पर एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसलिए यहां पर माइनस करने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हाउ मेनी नंबर्स, आप देखिए इसी तरह की वैरायटीज बता रहा हूं, हाउ मेनी नंबर्स मोर देन 500 कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, केस नंबर वन रिपीटेशन नॉट अलाउड, केस नंबर टू रिपीटेशन अलाउड। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, नंबर वन वर्ड मैंने बोला हाउ मेनी नंबर नॉट थ्री डिजिट, पूरा एक ही लैंग्वेज पे मैं आपको बताऊं, मैं क्लास में जब करवाता हूं सब क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम होती है और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, वो कैच करना जरूरी है। अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है इसलिए हम इतने डिटेल में नहीं जा सकते, पर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि हर क्वेश्चन मतलब एक ही वैरायटी के इस नंबर पे कम से कम मुझे
100-200 क्वेश्चन करवाने के बाद ही मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इन 100-200 क्वेश्चन में की छुपी होती, फिर आप देखो क्वेश्चन कैसे बनते। फिर आप कोई भी बुक खोलो, आप हमेशा ही पूछते हो मुझसे कई बार कि सर कौन सी बुक सॉल्व करें, मैं बोलता हूँ कोई भी बुक सॉल्व करो, कंसेप्ट ऐसे बनाओ कि कोई भी बुक उठाओ और सॉल्व हो जाए। वो एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो काम कर लिया आपका तो बिल्कुल समझ लीजिए नहीं सकती। तो यहाँ पे समझे हम कि अब ये जैसे बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड, 3 डिजिट बोला नहीं है कहीं, पिछले क्वेश्चन में 3 डिजिट था। ये छोटे छोटे कीवर्ड हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। अब क्या करोगे, तो देखिए आप बताओ मुझे कि आप क्या करोगे आप, तो ऑब्वियसली आप यहां पर अब 3 डिजिट तो बोला नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, नंबर ऐसा बने, पर ये भी तो नंबर जो है वो मोर देन 400-500 है, ये भी बन सकता था। इसका मतलब यहां पर 3 केसेस बनेंगे, समझिए। ये है चीजें इंपॉर्टेंट जिस पर हम फोकस नहीं करते। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे नंबर की क्लास में 2-3 क्लास निकल जाती है, 100-200-300 क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद मैं सोचता हूं अब आगे बढ़ना है। वो हर एक वो चीज छोटी छोटी जो चीज जहां पे मिस्टेक्स होती है वो सब बताना है। वो मिस्टेक्स पकड़ में आ गई तो हम पेपर में अपने आप ही राइट करने लगेंगे। अब देखिए यहां पर सबसे पहले बात की जाए अगर 3 डिजिट की, तो 3 डिजिट में कोई भी नंबर जब लोगे तो पहले प्लेस पर ये नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि 3 डिजिट होते हुए भी ग्रेटर देन 500 नहीं है। तो इसका मतलब पहले प्लेस पर आपको 5 ही ले सकते हो, एक ही पॉसिबिलिटी है। इवन 5 नहीं होता तो 0 हो जाता है उस केस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो भी आपको समझा सकता हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नंबर्स पे इतना करवाना होता है, पर अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ही कवर कर पा रहा हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है क्योंकि अभी आपको एग्जाम देना है। डिटेल में आप में से जितने लोगों के पास सोर्स होगा आपने देखा होगा ये बहुत डिटेल में करवाया हुआ, अगर वो डिटेल आपने कर ली होता हो ही नहीं सकता पीएनसी प्रायोरिटी के क्वेश्चन ना बने। यस, अब यहां बात करूं यहां पर पॉसिबिलिटी हुई कितनी, 1, नेक्स्ट प्लेस पर 4, नेक्स्ट प्लेस पर 3, यानी 12 केसेस हुए। अब हम बात करेंगे 4 डिजिट नंबर, एंड रिमेंबर एनी 4 डिजिट नंबर, रिमेंबर एनी 4 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 500, तो इसका मतलब स्टार्टिंग प्लेस की फाउंडेशन खत्म हो गई। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5, 4, 3, 2, 20 × 60, 120। अब ऐसे ही 5 डिजिट की बात करूं तो एनी 5 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 20, 60, 120 ही होगा, ये भी सेम ही होगा, फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर एक बार बताइए, या तो 3 डिजिट नंबर बना होगा या 4 डिजिट या 5 डिजिट, इनको ऐड कर दीजिए 240, 252, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन जिसमें मिस्टेक होती है, अब अगर मैं इसमें बोल दूं कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड, आप लोगों में से कई लोग सॉल्व करने लग गए, सॉल्व नहीं करना है, सोचिए तो पहले क्वेश्चन है क्या। रिपीटेशन अलाउड जैसे ही बोला आपने इसको खत्म होने का तुरंत लिखना चालू कर दिया, ऐसा नहीं, रिपीटेशन अलाउड। तो अब पिछले क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड और इसमें रिपीटेशन अलाउड में क्या डिफरेंस है वो समझिए। प्रीवियस क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड में 3 डिजिट बाउंडेशन था, या डिजिट बाउंडेशन नहीं है, तो इनको लेके आप कितने भी डिजिट का नंबर बना सकते थे। तो इस केस का रिपीटेशन अलाउड का आंसर ऑलवेज रिमेंबर इनफाइनाइट होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे आपको वर्क करना है, जिनको आपको समझना है। अगर आपने इन चीजों को एक बार समझ लिया प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। समझिए बात को आप अच्छे से कि प्रॉब्लम होती क्या है, वो एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को समझें। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000। कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं इंडिविजुअल बाय, मैं बोलता रहा हूं कि मेरे पास अभी बहुत कम टाइम है इसलिए मैं सारी वैरायटी तो कवर कर ही नहीं सकता। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 4000, पर फिर भी जितनी वैरायटी कवर करूंगा मैं श्योर हूं कि आपसे जेई वाले क्वेश्चन, एनडीए वाले, जो भी एग्जाम दे रहा आप उसके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। यस, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 4000 एंड 5000 डिविजिबल बाय 5। अब डिविजिबल बाय 5 यहां पर बोला गया है, इसका मतलब आपको पता है कि 5 का रूल निकाल लगाना होगा। जो नंबर डिविजिबल बाय 5 होते हैं उनका यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 आइदर 5। पर यहां पर एक चीज समझे, मैंने कोई नंबर नहीं दिया, एक तो कोई बात नहीं, अगर नंबर नहीं दिए है तो बाय डिफॉल्ट नंबर लेते हैं, ये भी एक चीज याद रखिएगा। अब 4000 और 5000 के बीच में बनने वाला हर नंबर जो है वो 4 से ही स्टार्ट होगा। डिविजिबल बाय 5 बोला है तो यहां पर आइदर 0 और 5, पहले दो केस लेते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी लिखी यहां पर आइदर 0 और 5, यहां पर 1।
अब समझिए इन दो प्लेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दो नंबर यूज हो चुके हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 8 into 7, राइट, 8 into 7। अब अगर मान लो इसी में रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता, तो भी यहां पर 4 ही आ सकता था, एक ही पॉसिबिलिटी है, यहां पर वही 0 और 5 भी आ सकते थे, टू ही पॉसिबिलिटी, पर यहां पर 10 और 10 आ सकते थे, राइट, ये 200 हो जाता। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैं यही क्वेश्चन को थोड़ा अलग ढंग से बोलता हूं, अब समझना, अब आपसे क्या मिस्टेक्स होती है वो समझिएगा, कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, आप समझिए, मैंने क्वेश्चन बोला हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5। अब 4 डिजिट के वो नंबर लेने हैं जो डिविजिबल बाय 5 हो, तो क्या होगा, यहां पर समझते हैं सबसे पहले कि डिविजिबल बाय 5, तो आप जो मिस्टेक करने वाले हो मैं बता देता हूं, आप यहां लिखोगे 0 और 5, पर यहां 0 और 5 लिख दिया तो प्रॉब्लम यह कि यहां पर 9 लें या 8, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, यहां पर 9 लें या 8 लें ये एक मुसीबत है, क्योंकि अगर यहां पर 0 हुआ होगा तो 9 लेंगे, पर मान लो यहां 5 हुआ है, सोचिए थोड़ी देर के लिए कि 5 हुआ है तो यहां 0 आ नहीं सकता फिर, तो यही छोटी छोटी चीज है। इसमें क्यों नहीं हुई ये प्रॉब्लम, मैं इसलिए तो बोल रहा हूं कि नंबर एक ऐसा पोर्शन है, नंबर के आप देखो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में, और इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत होती भी है, और वो भी सिंपल प्रोसेस से, टफ नहीं, आप खुद ही चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो इसलिए प्रॉब्लम होती है, आप समझिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपलेस्ट वे में पढ़िए। तो अब यहां पर मुझे एक बात बताइए कि क्या होगा, यहां पर सबसे पहले अगर हम समझें तो इसको दो अलग अलग केसेस में करेंगे जब भी हम राइट कर पाएंगे, नहीं तो ये रॉन्ग होना ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेस पर क्या आएगा, एक मान लो 0 का केस ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 5 का, अगर आपने ये लिया तो आपकी मिस्टेक होनी ही है, लोग ये लिखते हैं 2 टाइम और फिर 9 या 8 लिख के सब गलत कर देते हैं। अब सोचिए यूनिट प्लेस पे 0 आ गया तो इस प्लेस पर 9 पॉसिबिलिटीज हैं, इस पर 8 और इस पर 7, पर मान लीजिए यूनिट प्लेस पर 5 आया तो यहां पर 0 आ नहीं सकता, तो 8 पॉसिबिलिटी 7 पॉसिबिलिटी और 6 पॉसिबिलिटी, इन दोनों का एडिशन इक्वल टू फाइनल आंसर, ये तरीका होता है, यही चीजें हैं जिसमें हमारे से मिस्टेक होती हैं। इन छोटी छोटी चीजों को अगर आपने समझ लिया तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अच्छा, इसमें अगर रिपीटेशन अलाउड है इसमें कर सकते हो, फिर क्या प्रॉब्लम है, रिपीटेशन अलाउड है तो आप सीधा सीधा क्या बोलोगे, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हुई 0 और 1 की, तो 2 यहाँ पर अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक्सेप्ट 0 सब नंबर आ सकते, तो 9 और 10 into 10। तो ये सब चीजें डिपेंड ऑन क्वेश्चन और लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में होता क्या है कि पीएनसी में क्वेश्चन की लैंग्वेज ही हम कई बार नहीं समझ पाते हैं, जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझेंगे आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्लियर है बात। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और चीज याद रखिएगा, यहां पर एक ये कितना है 8 into 8 होगा, सॉरी, यहां पर आपने 5 यूज कर लिया, यहां पर आप 0 और 1 5 यूज नहीं कर सकते, तो 8 पॉसिबिलिटी, पर यहां 0 बढ़ जाएगा, तो मुझे 8 लिखना था, बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है और समझिएगा इस क्वेश्चन को, अभी मैं क्वेश्चन बाद में करवाता हूं, पहले कुछ टाइम को कवर कर लूं फिर करूंगा। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाई यूजर डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ नंबर डिविजिबल बाय 3, राइट। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आए हुए भी हैं 2-4 क्वेश्चन के बाद, फिर हम आते हैं सीधे जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, नंबर डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 3। अब 3 नंबर के लिए क्या 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 वो होती है पॉसिबल वो क्वालिटी कि नंबर का सम डिविजिबल बाय 3 हो। तो पहले जरा इनको ऐड करिए, 11 + 4 = 15 = 18 = 20 = 21, ये नंबर डिविजिबल बाय ऑलरेडी 3 है। तो अब आपको अगर 6 डिजिट बोला था तो एक बार में हो जाता, 4 बोला है तो आपको इसमें से कोई भी 2 नंबर छोड़ने हैं, पर कौन से 2 नंबर छोड़ने हैं, जो 2 नंबर छोड़ोगे उनका सम भी डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपने 2 और 5 छोड़ दिया होता तो क्या होता, और 2, 5 छोड़ देते तो आपको मिलता 1, 3, 4, 6, इसको ऐड करूं तो 14, तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं,
अब इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि आपको उन दो नंबर्स को छोड़ना है जिन नंबर्स में याद रखिएगा, उन दो नंबर को छोड़ना है जो जिनका सम भी डिविजिबल है 3 हो। तो अब क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है 1 2, ऐसे एक ऑर्डर में लेना, कभी मिस्टेक नहीं होगी। एक हो सकता है 1 2, एक हो सकता है 1 के साथ 1 5, एक हो सकता है 2 4 और 2 के साथ और कोई नहीं, एक हो सकता है 3 के साथ 3 5 नहीं 3 6, ठीक है, एक हो सकता है 4 के साथ जाए तो 4 5 4 5 और 4 के साथ और कोई नहीं, और 5 के साथ जाएं तो कोई भी नहीं है, राइट। 5 के साथ 1 को ऑलरेडी लिख चुके हैं इसलिए 5 1 मत कर देना, और ये खत्म हो गया। यानी ये 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी। अब सपोज आपने 1 2 छोड़ा तो कितने बनेंगे, 4 3 2 1 यानी 24, और ऐसे कितने टाइम, 1 2 3 4 5 इंटू 5 टाइम, देन फाइनल आंसर। यानी करने का तरीका अगर क्लियर होगा तो आपसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। नोट कर लीजिए, यस, बात क्लियर है। तो इस तरह के आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, समझना है नंबर्स पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं, फिर थोड़ा बेसिक फॉर्मूला कॉम्बिनेशन बताता हूँ, फिर सीधे क्वेश्चंस उठाऊंगा तो और क्लियर होगा आपको, कि क्वेश्चंस के थ्रू रिमेनिंग थ्योरी पढ़ाऊंगा, उससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप टॉपिक को रिवाइज भी कर पाएंगे। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन, वो इसलिए बता रहा हूँ कभी कभी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, क्या फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं। और एक और याद रखिएगा, फॉर्मूला परम्यूटेशन का तो ज्यादा यूज नहीं होता, पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बहुत यूज होता है, नॉट ओनली परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन बाइनोमियल में भी यूज होता है और कई जगह पे यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करें फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन, NPR, इसका मीनिंग क्या है, द नंबर ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय NPR या P, N, R, राइट, एंड डिफाइंड एज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। The number of n different things taken r at a time is denoted by NPR. अब इसमें कुछ चीजें समझा देता हूं मैं आपको, जिससे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, कि जब इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना, मैं बताने के लिए NPR का कैलकुलेशन फॉर्मूला ये रखिए, n-1 n-2 up to n-r+1। जैसे अगर आपको 10p3 सॉल्व करना है तो सिंपल 10 9 8, 12p4, देन 12 11 10 and 11, क्लियर है। एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, इसका यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये फॉर्मूला बस बता दिया मैंने, बाकी इसको आपको बहुत यूज नहीं करना है, समझिएगा। एक वर्ड प्रॉब्लम भी लिखते हैं, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म लेटर ऑफ द वर्ड डेली यूजिंग ऑल द लेटर एट द टाइम एंड रिपीटेशन ऑफ लेटर नॉट अलाउड। सपोज 5 लेटर बनाना है डेली से, यूजिंग ऑल द लेटर एट द टाइम, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो अब तो अगर हम देखें तो 5 में से 5 ही बनाना है, यानी 5p5 या फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं आप, राइट। एंड रिमेंबर npn इज ऑलवेज फैक्टोरियल n, क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, np1 इज n। तो अब 5 लेटर वर्ड कैसे बनाएंगे, इसी एक क्वेश्चन से मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम के कई सारे कंसेप्ट बता दूंगा, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कुछ कंडीशन नहीं बोली है, यानी 5 लेटर बनाना है, पहले प्लेस पर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी 1 2 3। सेकेंड क्वेश्चन, अब यहां से कंडीशनल परम्यूटेशन स्टार्ट कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि इस पूरे में कि ये अगर दिया हुआ है एवरी वर्ड स्टार्ट विद वॉवेल, तो इसमें पहले वॉवेल बोले कौन कौन से, ई और आई, बचे हुए कंसोनेंट डी एल एच, तो क्या होगा, एवरी वर्ड स्टार्ट विद वॉवेल, करना किसको है आपको, पहले प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटी, ई और आई 2, नेक्स्ट प्लेस पे एक वॉवेल यूज हो गया पर बचा हुआ वॉवेल और 3 कंसोनेंट 4 3 2 1, क्लियर है बात। अब एक चीज याद रखिएगा, अब फॉर्मूले से कंफ्यूजन हो सकता है, लॉजिक से कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने बोला एवरी वर्ड स्टार्ट विद वॉवेल, ये हो गया। अब एक और अगला क्वेश्चन, एवरी वर्ड स्टार्ट विद वॉवेल एंड विद अ कंसोनेंट, करना आप ही को है, स्टार्ट विद वॉवेल एंड विद कंसोनेंट।
वॉवल से स्टार्ट हो, ये सब कंडीशनल है, टू पॉसिबिलिटी। कंसोनेंट से एंड हो, थ्री पॉसिबिलिटी। एक समय में एक एक ही लेटर यूज होगा। रिमेनिंग वन वॉवल एंड टू कंसोनेंट, इज देयर आर थ्री लेटर्स रिमेनिंग, तो थ्री टू वन। क्लियर है बात? तो ये कितना हो जाएगा, टू इंटू सिक्स इंटू थ्री, यानी 36। एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एक सिंगल क्वेश्चन से जो जो अलग अलग वर्ड दिए रहते हैं आपको बता दूंगा। कभी कभी लेटर रिपीट भी होते हैं तो उसमें हम फैक्टर का डिवाइड कर देते हैं, कभी कभी साथ लेते हैं। तो क्या करते हैं, अब जैसे मैं अगर बोलूं कि वॉवल ऑलवेज कम टूगेदर, वॉवल हमेशा साथ आए, अगर मैं बोलूं वॉवल साथ आए तो करना किसको, आप ही को, यानी जो भी अरेंजमेंट करो उसमें वॉवल एक साथ आए, यानी डी के बाद ई आई फिर एल एच लाइक दिस। तो वॉवल को एक सिंगल लेटर कर ले और बचे हुए तीन कंसोनेंट। अब अगर मैं बोलूं इनको अरेंज करो तो क्या होगा, सिंपल, फोर लेटर को अरेंज करने के हाउ मेनी वेज, आप भूल जाइए फॉर्मूला, बस फॉर्मूला इसलिए याद होना चाहिए कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे। अब यहां पर 4 3 2 1, अब एक चीज समझिए, जो वॉवल है ई आई भी हो सकता है और आई ई भी। तो जब भी टूगेदर का केस हो, रिमेंबर, जब भी टूगेदर का केस हो याद रखिएगा, आप करना ये कि टोटल केस में टूगेदर वाले का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दे, यानी मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि देखिए जितने केस ई आई से बनेंगे उतने ही आई से बनेंगे, यानी टू टाइम होना है, या मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल। इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मैं बोलूं कि कंसोनेंट ऑलवेज कम टूगेदर, कंसोनेंट हमेशा साथ आए, अब मैंने बोला है कंसोनेंट ऑलवेज कम टूगेदर, तो इसका मतलब मैं पूरे कंसोनेंट को एक मान लूं, राइट, एक मान लूं ई एल एच, इसको एक लेटर माना, अब बोलते क्या ई और आई, अब कितने लेटर है, थ्री लेटर, थ्री लेटर को अरेंज करने के हाउ मेनी वेज, सिंपली 3 2 1 इन टू जो कंसोनेंट एक साथ हैं वो अपनी पोजिशन चेंज कर सकते हैं, बस ये लॉजिक है। मैं बोलूं वॉवल ऑलवेज कम टूगेदर एज वेल एज कंसोनेंट ऑलवेज कम टूगेदर, तो इसको एक ग्रुप, इसको एक ग्रुप, टू ग्रुप को अरेंज करने के बाद 2 into 1, ये ग्रुप अपनी पोजिशन चेंज करेगा या अपनी, जैसे बॉयज और गर्ल्स में इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, और बॉयज एंड गर्ल्स में आपको अब देखेंगे तो आपको इसी तरह के मिलेंगे क्वेश्चन, जैसे अभी हम कर रहे हैं कि नो टू बॉयज सिट टूगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टूगेदर, तो कंसोनेंट वॉवल जैसा ही केस होता है, राइट। अब अगर मैं बोलूं इसमें वॉवल नेवर कम टूगेदर तो क्या होगा, अब मैंने बोला वॉवल नेवर कम टूगेदर यानी वॉवल साथ में ना आए, तो अक्सर हम इसमें ये करते हैं, और याद रखिए ये आप प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लो, मान लो यही क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का पूछता कि वॉवल ऑलवेज कम टूगेदर, मान लो तो आपने ये निकाला 54 into 2 48, तो आप पता क्या बोलते, प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन होता 48 upon total cases 120, यानी आप समझो कि आप लॉजिकली तो प्रोबेबिलिटी ही पढ़ रहे हो। तो जो केस कंडीशनल वाले होते हैं वो न्यूमरेटर होता है प्रोबेबिलिटी का, और जो टोटल होता है नो रिस्ट्रिक्शन वो डिनोमिनेटर। ये सब मैं बात कर रहा हूं वॉवल नेवर कम टूगेदर, वॉवल कभी साथ ना आए, वॉवल कभी साथ ना आए इसका मतलब ये हुआ कि हम वॉवल को, इसके दो तरीके से लोग करते हैं, एक टोटल केसेस माइनस वॉवल कम टूगेदर, दिस इज 72, बट इसमें एक मिस्टेक है बताता हूं, इस क्वेश्चन में नहीं है, क्या मिस्टेक होगी बताता हूं। अगर मैं बोलूं कंसोनेंट नेवर कम टूगेदर, पहले ये भी देख लें कितना है, 6 into 6 कंसोनेंट नेवर कम टूगेदर, यानी कंसोनेंट साथ ना आए, तो आपने अगर ऐसा किया 120 minus of 36 तो क्या होगा, तो आपने लिखा 84, पर क्या सही में 84 आंसर है, समझिएगा। जब भी नेवर बोले क्या करिएगा, ध्यान सुनिएगा, जब भी बोले वॉवल नेवर कम टूगेदर, कंसोनेंट नेवर कम टूगेदर, गर्ल्स नेवर सिट टूगेदर, बॉयज नेवर सिट टूगेदर, इस तरह के क्वेश्चंस में एक सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपसे बोला जैसे इसमें वॉवल नेवर कम टूगेदर, तो वॉवल साथ ना आए फिर अगेन करना किसको, आपको। तो आप समझिए कि पहले आप इन तीन प्लेस पर कंसोनेंट को अरेंज करो, 3 2 1 कर लिया। अब ये जो मैं कट बना रहा हूं, अगर यहां पे मैंने वॉवल पुट कर दिया तो अपने आप ही कोई वॉवल साथ नहीं आने वाला। तो फर्स्ट वॉवल के लिए मेरे पास चार पॉसिबिलिटी, 1 2, वर्ड हमेशा रखिएगा पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4। नेक्स्ट के लिए 3 पॉसिबिलिटी है, ये हुआ 6, ये हुआ 12, दिस इज 72 72। बट अब यहां पे देखते हैं, अब मैंने बोला कंसोनेंट नेवर कम टूगेदर, तो मैंने पहले टू वॉवल्स को अरेंज किया, तो टू वॉवल को जब मैंने अरेंज किया तो कितने वेज हुए बोलिए, टू वॉवल को अरेंज करने के 2 into 1। अब इन प्लेस पर अगर मैं कंसोनेंट रख दूं तो साथ आएंगे,
तो पहला 3 फिर 2 फिर 1, तो ये हुआ 6 × 2 = 12, जिसको आप 84 बाय मिस्टेक बोल रहे थे, ऑप्शन में मिलता 84, उसका एक्चुअल आंसर 12 था। प्रॉब्लम क्या समझिए, 2 के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 में इसलिए हुई कि आपने जिसको माइनस किया है, मैंने बोला कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, तो आपने जिस केस को माइनस किया उसमें ऑल कंसोनेंट को माइनस किया, 3 वाले, 2 वाले भी तो थे, वो माइनस नहीं हुआ। अभी तो ये छोटा है, बड़े क्वेश्चन होंगे तो समझिए क्या होगा, 4 गर्ल्स 4 बॉयज सिट टुगेदर, गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, तो आपने अगर टोटल माइनस कर दिया तो ऑल 4 वाला हुआ, 3 गर्ल्स भी साथ हो सकती थी, 2 भी हो सकती थी। तो ये छोटी छोटी चीजें जिस पर ध्यान रखना, ये जब भी नेवर बोले आप इससे ही करिए, आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ये तरीका सही नहीं है, ये कंफ्यूज करना बता रहा हूं। अगर बोला होता ऑल, याद रखिएगा ऑल कंसोनेंट नेवर कम टुगेदर, ऑल विल नेवर कम टुगेदर, ऑल गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, ऑल बॉयज नेवर सिट टुगेदर, देन यूज टोटल माइनस ऑल, जब भी ऑल वर्ड लगाओ, जब भी आप ये यूज करिए, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो सकती है। राइट, नोट कर लीजिए। Yes. तो ये क्लियर होगा आपको क्वेश्चन की इसमें करना क्या, तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन में बोला गया है वही आप करें। अभी मैं आपके क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूँ सारे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वो ये जो आए हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करना। एक आइडिया देता हूँ, कभी कभी डिक्शनरी प्रॉब्लम भी आती है कि आपको एक वर्ड दे देंगे, सपोज यही वर्ड है मान लीजिए दिल्ली, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड दिल्ली, या कोई भी रैंक पूछ सकते हैं इसमें कि आपको ये वर्ड दे दें, फाइंड द रैंक ऑफ LHIET लाइक दिस। कभी भी दो तरीके होते हैं, या तो आपसे रैंक पूछी जाती है या फिर आपको वर्ड देके रैंक देके वर्ड पूछा जाता है। अब जैसे अगर मान लो मैं बोलूं फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड दिल्ली, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन करें तो जो आपको वर्ड दिया पहले उसके लेटर एज अ डिक्शनरी अरेंज कर लें, जैसे DEHI और ये L, ये अरेंज हो गया। अब बाई चांस ये तो इस तरह का है कि अगर हम देखें तो इसमें आपको स्टार्टिंग वर्ड क्या चाहिए, D वही है, E भी वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, E के बाद आना क्या चाहिए था, H, पर H नहीं आया। अब ये आपको तो L की रिक्वायरमेंट है, तो आप देखो H से बनने वाले कितने होंगे, यहाँ पर अगर मैं H ले लूँ तो 2 × 1 = 2, H के बाद क्या आएगा, I से भी 2 × 1 = 2, I के बाद आएगा L, तो DEL, अब ये 3 लेटर आपके काम के हो गए। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपको अकॉर्डिंग टू दिस I और L, राइट right? उसके बाद देखिए क्या क्या हो गया, D कट करते चलो, DEL, अब आपको क्या मिलना है, H और I आएगा इसके बाद सीधा, तो यही हो गया, तो क्या रैंक हो गई इसकी, 5th रैंक हो गई। तो अभी डिक्शनरी वाली प्रॉब्लम्स आएगी वो भी बताऊंगा मैं। तो बाई चांस ये लेटर ऐसे थे कि अरेंजी फॉर्म में थे, डिक्शनरी ऑर्डर में थे, केवल एक L का ही था इशू। तो डिक्शनरी प्रॉब्लम्स में भी आपको अल्फाबेटिकली लेटर्स लिख के और फिर उसको सॉल्व करना, तो मैं अभी आपको एक एक करके आप क्वेश्चन बताता चलूंगा, आपको अपने आप बनते जाएंगे, पर उसके पहले एक बेसिक कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट भी समझें, क्योंकि जब मैं कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन लूंगा तो उसमें मिक्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन के भी हो सकते हैं, तो आपको पहले कॉम्बिनेशन का एक बेसिक पता होना जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन की, हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, एंड फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन इज सिंपली, कॉम्बिनेशन में आप फॉर्मूला यूज करें तो अच्छा, जब भी सिलेक्शन की बात आए यूज NCR, एंड NCR इक्वल टू रिमेंबर N फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल R। आप देखेंगे कई बार इसमें बेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं NCR, इसलिए और इसमें याद रखें ये NPR होता है, तो NCR इक्वल टू NPR अपॉन फैक्टोरियल R, इसलिए कॉम्बिनेशन की वैल्यू परम्यूटेशन से कम होती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में हम AB और BA की बात होती है, एंड रिमेंबर ये रिलेशन हो गया फैक्टोरियल R इंटू NCR। कैलकुलेशन फार्मूला NCR का ये होता है, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेशन के लिए N N-1 NPR लिखा ही था आपने, N-1 N-2 N-R+1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ R, एंड रिमेंबर अगर जैसे आपसे कभी बोला जाए 10C0 दिस इज 1, 10C10 दिस इज ऑल्सो 1, क्योंकि NCR इक्वल टू
एन सी एन माइनस आर, एन सी एन सी वन इक्वल टू एन, एन सी टू इक्वल टू एन एन माइनस वन बाय टू। टेन सी थ्री में अगर आपसे बोलूं क्या होगा तो आप बोलोगे टेन नाइन एट अपॉन थ्री टू वन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एन सी आर प्लस, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं, एन सी एन आर माइनस वन। जब आप पढ़ें तो इसको रिवाइज कर लें तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन सी आर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आपने रिवाइज कर ली तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मोस्ट एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, दिस इज ऑल्सो एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, राइट। और अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जो आए हुए एग्जाम्स में उनके साथ हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो रिमेनिंग थ्योरी भी कवर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि क्या थॉट्स हैं। कई बार ये कन्फ्यूजन भी होता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, जैसे आपने बोला भी कि कई बार समझ में नहीं आता कि कब परम्यूटेशन लगाना है, कब कॉम्बिनेशन लगाना है, कब दोनों लगाना है, कब लॉजिक लगाना है, कब फॉर्मूला। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर आप देखिएगा क्वेश्चन, चाहे वो जेई के हो या जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, चाहे नीम सेट का या कोई भी और एग्जाम, हर तरह के क्वेश्चन आपको बनने वाले। नोट कर लो पहले से। यस, तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, और फिर बेसिक क्वेश्चन के बाद फिर एडवांस क्वेश्चन देखते हैं जो अभी अभी आए हुए हैं एग्जाम में, जनवरी वाले पेपर्स में आए हुए थे, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करते हैं। देखिए सबसे पहले, जैसे ये अभी मैं डिक्शनरी की बात कर रहा था, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आई थिंक इसका आंसर भी याद होगा, पर फिर भी बताता हूँ। इफ डिफरेंट वर्ड आर फॉर्म्ड विद ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन, याद रखिएगा वर्ड अरेंजमेंट में अगर कभी कोई लेटर रिपीट हो रहा हो तो उसका, जैसे अगर मैं बोलूं वो कुछ केसेस मैंने आपको बोला अभी कि डिस्कस नहीं, जैसे इसका अगर आपको वर्ड बनाना है तो, और यूजिंग ऑल द लेटर, तो कितने केसेस होंगे, हाउ मेनी केसेस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो फैक्टोरियल सेवन अपॉन जो भी रिपीट हो रहा है उनका डिवाइड करते चलते हैं। अभी यहां पर देखें, हाउ मेनी इफ डिफरेंट वर्ड आर फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर इन डिक्शनरी। इफ द वर्ड एट 50th प्लेस, 50th प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा। अब देखो रैंक दे के आपसे वर्ड पूछ लिया, अरे कभी कभी वर्ड की रैंक भी पूछी जाती है। अब 50th पोजिशन पे कौन सा वर्ड आएगा आपसे ये पूछा गया है। सबसे पहले आप बताइए क्या आएगा, लेटर ए, फिर ए, फिर जी, फिर आई और फिर एन, ये अरेंजमेंट होंगे। अब आपको 50th पोजीशन पे बताना है कि कौन सा वर्ड बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा ए से, तो ए से कितने वर्ड बनेंगे बोलिए, ये फोर लेटर है, फोर थ्री टू वन यानी 24। ए के बाद अब इस ए को मत कर देना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये ए नहीं आएगा। ए के बाद क्या आएगा फिर, ये समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूं आपको, डायरेक्ट ही करना है जी। अब इस जब जी की बात आएगी, सुनिए, जब जी की बात आएगी तो जी की जब बात आएगी तो आपको जो फोर लेटर लेने हैं उन फोर लेटर में ए रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखोगे आप, वही फोर थ्री टू वन अपॉन टू, ये मत भूलना, तो 12 केसेस। अब जी के बाद आएगा आई, आई से भी सेम 12 केसेस होंगे, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 48, तो ये हो गया। आपको 50th पोजीशन का वर्ड बताना है। अब आई के बाद किससे स्टार्ट होगा, एन से। अब कोई इसके बहुत आगे नहीं जाना, तो आप इमीडिएटली बता सकते हो कि एन के बाद, एन के बाद सबसे पहला लेटर क्या बनेगा, तो ये एन लिया, अब हाथ रख लो, तो एन के बाद बनेगा ए ए जी आई, दिस इज 49 पोजीशन, राइट। अब इसके बाद अगला होगा एन ए ए, यही इंटरचेंज होंगे, तो आई जी, दिस इज 50th पोजीशन वर्ड। यानी आप डिक्शनरी की कभी भी कोई प्रॉब्लम करें, टफ से टफ, अब क्योंकि टाइम लिमिटेड है हमारे पास, नहीं तो कम से कम 50-100 प्रॉब्लम्स कर सकते थे, करना भी चाहिए, जितनी प्रॉब्लम्स करेंगे उतने अच्छे से टॉपिक पे कमांड होगा। तो अगर हम देखें तो 50th पोजीशन पे ये वर्ड आ गया एन डबल ए आई जी। तो पहले जो भी वर्ड आपको दिया हुआ है उसको अल्फाबेटिकली, उसके लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करो, फिर एक एक करके स्टार्ट करो, जो आपका ऑब्जेक्ट फंक्शन है वहां तक पहुंचो, आपका हमेशा राइट आंसर आएगा, कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी एक कई बार क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, नंबर ऑफ डायगनल्स वगैरह पे क्वेश्चंस, अच्छा रहा ये देखिए, मैंने बोला ना क्वेश्चन के थ्रू कई चीज़ें, क्योंकि मेरा नेचर है कि जब हम रिवीजन करें तो बिना बुक ओपन करें करें, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो जो रिवीजन छूटा होगा या कोई चीज़ मिसिंग होगी वो अपने आप कवर हो जाएगी। अब जैसे बोला एज पॉलियन हैज 44 डायगनल्स देन नंबर ऑफ साइड, अगर पॉलियन के 44 डायगनल हैं तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, तो पहले हम समझें
कि डायगोनल का कंसेप्ट क्या है। अगर मैं बोलूं हेक्सागन है, हाउ मेनी डायगोनल्स, तो याद रखिएगा डायगोनल्स कब बनेंगे, डायगोनल्स कब बनेंगे जब किसी भी दो वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे लाइक दिस, ये सब डायगोनल्स हैं। बट रिमेंबर कि ये जो है ये साइड है, तो आपको ऐसा करना होता है 62 माइनस नंबर ऑफ साइड। तो अगर पॉलियन ऑफ एन साइड है तो हम करते हैं एन सी टू माइनस ऑफ एन, जिसको सॉल्व करते हैं तो एन एन माइनस थ्री बाय टू आता है। तो इस क्वेश्चन में केवल इतना सा करना था, एन एन माइनस थ्री बाय टू दिस इक्वल टू 44। अगर ध्यान दें तो 44 के फैक्टर होते हैं 11 इंटू टू। तो अगर मैं n के प्लेस पर 11 रख दूं तो देखिए अपने आप ही हो गया 11, 11 माइनस थ्री 8 बाय 2 यानी 4 ही आ गया। तो करेक्ट आंसर इज 11। पर ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला आपके काम में आएगा नंबर ऑफ पॉलियन के लिए। अब कभी कभी नंबर ऑफ ट्राइंगल भी पूछते हैं, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल इज सिंपल, थ्री पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ट्राइंगल बन जाएगा। तो ट्राइंगल के लिए सीधा कंसेप्ट है एन सी थ्री। जैसे हेक्सागन में नंबर ऑफ ट्राइंगल बोले तो क्या बोलोगे, 63। 63 को सॉल्व करोगे, अब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको एक बेसिक थ्योरी बताई, अब उसके जब मैं क्वेश्चन करना चालू करवाता हूं तो जो जो चीज़ें मिसिंग रहेंगी, अभी क्योंकि क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम, ऑर्डर में कर रहे होते तो कुछ भी नहीं छूटता, एक एक पोर्शन को कवर करते, तो वो सब चीज़ें थ्रू क्वेश्चन के रिवाइज। अब जैसे ये आया 20 आंसर, तो आपको प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन मिलता है कि इफ थ्री वर्टिसेस आर सिलेक्टेड एट रैंडम ऑन अ हेक्सागन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब याद रखिए इस 20 में टू इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो 2/20। यानी ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर आप रिवाइज करते हुए चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अब देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, अभी मैंने जो आपको बताया था, देखिए आया वही क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ थ्री डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, रिपीटेशन ऑफ डिजिट बीइंग नॉट अलाउड। ठीक है, अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, थ्री डिजिट नंबर इवन नंबर बनाना है। अब इवन नंबर के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इवन यूनिट प्लेस पर कोई इवन नंबर आए, यूनिट प्लेस पर कोई इवन नंबर आए मतलब क्या क्या आ सकता है, 0, 2, 4। अब मैंने आपको ये केस बहुत अच्छे से भी समझाया था कि इस केस में बहुत मिस्टेक होती है, जहां जीरो आ जाए बी केयरफुल। अब दो पॉसिबिलिटी अगर आप लेके चलोगे तो मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो हो जाएगी, या तो यहां जीरो आया है या यहां पर 2 और 4 में से कोई एक नंबर आया है, राइट, यानी 2 पॉसिबिलिटी 2 और 4। तो जब यहां पे 0 आ गया तो एक तो इवन नंबर होगा और आगे के लिए सारी पॉसिबिलिटी, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहां पे 5 पॉसिबिलिटी हुई, यहां पे 4, 20। मान लो यहां पर 2 और 4 में से कोई एक नंबर लिया, एक ही नंबर आएगा एक समय में, पर एक 0 आ नहीं सकता और एक नंबर ये कम हो गया, तो आप बोलो 1, 2, 3, 4, यहां पर 4 और यहां पर 0 बढ़ गया तो 4, तो 16, तो नेट आंसर हुआ 36। यानी ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इन पे याद ना रखा जाए तो हमारी मिस्टेक हो जाती है, और होता यही है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में कि इस तरह की हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं अक्सर, राइट, नोट कर लीजिए। अरे यहां पर याद रखिएगा, एक मिनट, ये टू केसेस हैं यहां पर, तो टू लिखना था, तो 16, 32, तो ये 52 होगा, सॉरी 52 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, वॉट इज द नंबर ऑफ वे दैट द क्रिकेट टीम, ये बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं पहले, इसमें ये मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एनडीए एग्जाम में आए हुए हैं। वॉट इज द नंबर ऑफ वे दैट द क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर दैट कैन बी, इसके बाद में जेई वाले क्वेश्चन लूंगा, वॉट इज द नंबर ऑफ वे दैट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी मेड ऑफ 15 प्लेयर, 15 में से 11 प्लेयर की टीम बनानी है। अब देखो इसमें भी एक टाइप होती है, तो क्या करोगे, सिंपल 15C11 खत्म। आप सॉल्व करते समय वो जिसको लिख लोगे 15C4 और फिर सॉल्व करोगे, बट एक चीज याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि 15C11 15C4 न्यूमेरिकल वैल्यू में सेम है पर मीनिंग वाइज अलग है। इसका मतलब है 15 में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट किया, इसका मतलब 15 में से 4। तो पहली बार में आप हमेशा वो लिखिए जो सही है, फिर बाद में कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ऐसा देते हैं, कंफ्यूज नहीं, ये इसके इक्विवेलेंट होता है इसलिए लिख देते हैं। अब इसमें आपने जब ये पढ़ा होगा तो आपको इस समय याद करिए, ऐसे रिवाइज करना चाहिए। मैं ये जो आपके साथ क्विक रिवीजन क्लास शेयर कर रहा हूं उसका एक ही मेन पर्पज है कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। हम हर बार जब बुक खोल के पढ़ेंगे तो कभी भी आप याद रखिएगा आपका रिवीजन प्रॉपर हो ही नहीं सकता, इसलिए पहले बुक बंद करके जो आता है वो करो, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन उठाओ और उसके साथ साथ रिलेटेड चीजों को जितना याद कर सकते हो, क्योंकि जो चीज हमने पढ़ ली सुन ली देख ली वो हमारे दिमाग में तो है पर उसको क्विक रिवाइज करना आना चाहिए।
तो अब यहां पर ये छोटी छोटी चीजें, जैसे आपने केसेस पढ़े होंगे तो वो आप रिकॉल करो ऐसे सारे टॉपिक्स के। अब वन पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडेड, तो क्या बताया था मैंने कि एक पर्टिकुलर प्लेयर हमेशा हो, टीम 11 की बननी है, करना आप ही को है, तो आप लिखेंगे वन पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज सिलेक्टेड, तो 14C10। वाई 14C10? क्योंकि एक प्लेयर पहले ले लिया। वन पर्टिकुलर नेवर सिलेक्टेड, अब टीम आप ही को बनानी है, एक को हटा दिया, 14C11 लिखेंगे। टू पर्टिकुलर प्लेयर नेवर सिलेक्टेड, 13C9, दो ले लिए। टू पर्टिकुलर प्लेयर नेवर सिलेक्टेड, 13C11, लाइक दिस। तो ऐसे अगर आप रिवाइज करते चलेंगे तो आपको अपने आप ही क्वेश्चन बनने लगेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, राइट। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे फोर बॉयज एंड थ्री गर्ल्स कैन बी सीटेड अल्टरनेट केस बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, इसमें अक्सर मिस्टेक होती है, वो भी समझ लीजिए आप। अल्टरनेट केस में बहुत कॉमनली मिस्टेक होती है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, अब जैसे अल्टरनेट का ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया वो चीजें, तो ये चीजें अगर आपको रिकॉल होने लगेंगी तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मान लो फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स सिट अल्टरनेट, तो सबसे पहले तो मैं बोलूं, अगर इसमें हम केसेस बनाएं फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स, सपोज फर्स्ट केस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सीधा फैक्टोरियल 8, मतलब 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कुछ ना बोला जाए तो पूरे 8% को अरेंज कर दी, ये कहलाता है क्वालिटी का डिनोमिनेटर का डिफॉल्ट केस। अब मैं बोलूं गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, मतलब गर्ल्स कभी साथ ना बैठे, तो क्या करोगे, आपने कहा फोर बॉयज को अरेंज कर लिया जो मैंने बताया था, और गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, इन फाइव में से कोई भी फोर प्लेस पे बॉयज को रख, गर्ल्स को रख दिया, तो पहले फोर बॉयज को अरेंज करने के पे 4, 3, 2, 1, अब पहली गर्ल्स फाइव में से एक, नेक्स्ट फोर में से, नेक्स्ट थ्री में से, नेक्स्ट टू में से, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, गर्ल्स का एक ग्रुप मान लिया फोर बॉयज, फाइव को अरेंज करने के लिए तरीके 5, 4, 3, 2, 1 इन टू, गर्ल्स अपनी पोजिशन चेंज कर सकती है। बॉयज ऑलवेज सिट टुगेदर, गर्ल्स ऑलवेज सिट टुगेदर, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गए, आप समझ लीजिए ये रिवीजन का प्रोसेस है। ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल बॉयज सिट टुगेदर, इसको एक ग्रुप, इसको एक ग्रुप, टोटल टू ग्रुप, गर्ल्स अपनी पोजिशन चेंज करेंगी, बॉयज अपनी पोजिशन चेंज करेंगे। अब मैं बोलूं कि गर्ल्स बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेट, तो लोग ये वाली मिस्टेक करते हैं कि पहले सर बॉयज को बिठा देते, ये कॉमन मिस्टेक है, और फिर हम गर्ल्स को अरेंज कर देंगे, तो इसमें एक प्रॉब्लम है। मान लो एक गर्ल्स यहाँ आई और एक गर्ल्स यहाँ आई, और एक यहाँ आ गई और एक यहाँ, तो ये अल्टरनेट नहीं हुआ, अल्टरनेट केस ही डिफरेंट है, कभी भी ये नहीं करना। अल्टरनेट का मतलब बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, इसमें केस में था नो गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब कोई दो गर्ल्स साथ में ना बैठे, तो हमारा फोकस गर्ल्स पे था कि गर्ल्स को साथ नहीं बिठाना, बॉयज साथ में हो भी सकते थे और नहीं भी। ये सब चीजें मैंने आपको याद हो तो कोर्स में आप देखोगे पूरे यही क्वेश्चंस को बहुत ही बेसिक से एक एक एग्जांपल लेके, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके समझाया कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि जितना क्लियरिटी के साथ पढ़ोगे उतना कमांड आएगा टॉपिक पे। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि अल्टरनेट कैसे होता है, तो फोर गर्ल्स के केस में देखते हैं फिर इस बात, तो सिंपल कि फोर बॉयज फोर गर्ल्स है, अल्टरनेट का एक ही रूल है कि आपके पास 8 जगह है, मान लीजिए तो ये इवन प्लेस है, ऑड प्लेस है, अगर आप बॉयज और गर्ल्स को इवन और ऑड प्लेस पर अरेंज कर देंगे, करना आप ही को है, तो अपने आप ही अल्टरनेट अरेंज होंगे। तो फोर गर्ल्स को इवन प्लेस पर अरेंज किया, 4, 3, 2, 1, यानी एक तरह से फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो, फोर बॉयज को ऑड प्लेस पर अरेंज किया फैक्टोरियल 4, बट इवन और ऑड आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं इन टू ऑफ टू, बस ये सिंपल लॉजिक है। अगर मैं बोलूं 5 गर्ल्स 5 बॉयज है सिट अल्टरनेट, देन सिंपल फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 2 बाय इंटू 2, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स हैं, अरेंज अल्टरनेट फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 6 इंटू 2, राइट। अब जैसे यहां पर है, अब ये तो इक्वल के हुए बात, मान लो इक्वल नहीं है तो 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, चाहे तो बॉयज को अरेंज कर दें चाहे गर्ल्स को, होगा एक ही पॉसिबल केस, देखिए गर्ल्स इन्हीं जगह पे बैठ सकती है, अगर गर्ल्स एक भी आगे बैठ गई तो फिर अल्टरनेट नहीं होगा। तो इसमें सिंपल लॉजिक हुआ कि 4 बॉयज को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4, गर्ल्स को अरेंज करने के 1 कम हो तो फैक्टोरियल 3, जैसे 5 बॉयज 3 गर्ल 4 गर्ल्स हो सीधा लिख दो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 6 बॉयज 5 गर्ल्स हो सीधा लिख दो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। अब बात आती है अगर 2 कम हुए तो क्या होगा, मान लो 4 बॉयज 2 गर्ल्स सिट अल्टरनेट बोलें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास बॉयज के नंबर ज्यादा है तो अल्टरनेट नहीं हो सकते। यानी ये छोटी छोटी क्लियरिटी अगर टॉपिक
करोगे तो आपको क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। तो अभी आपके उसके बाद अब जेई वाले क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है। इनको नोट कर लीजिए। यस, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी जेई का, क्या क्वेश्चन है समझिएगा, आपसे अपने आप ही बनेगा ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंसेप्चुअली मैंने जो अभी आपको जितना रिवाइज करवाया है इसके बेस पे बन जाएगा, बाकी डिटेल में तो पढ़ना चाहिए। अगर आप 11th में हैं तो जितना डिटेल में जाएंगे उतना अच्छा है। अब देखिए क्या है, कंसिडर अ क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आप नेट से निकाल सकते हो, आपके पास होगा अभी। कंसिडर अ क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ टू गर्ल्स एंड 3 बॉयज दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस क्लास इफ देर आर टू स्पेसिफिक बॉयज ए एंड बी। टू स्पेसिफिक बॉयज कोई होंगे ए और बी, हु रिफ्यूज टू बी मेंबर ऑफ द सेम टीम। ओके, मतलब जो ये टू पर्टिकुलर बॉयज है ए और बी, ऐसे मान लो ए बी सी डी, ऐसे 7 बॉयज हैं, ई एफ है ना जी, ऐसे 7 बॉयज हैं, ऐसे 5 गर्ल्स मान लो पी क्यू आर एस टी। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, और देखो मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बोल दूँ, आप लोग जो मैसेज भेजते हो, कमेंट्स लिखते हो, मैं हमेशा उन कमेंट्स को देखता हूँ बाद में, तो हमेशा आपको ये लगेगा कि मैं जेई के क्वेश्चंस कर रहा हूँ सिंपल वाले। मैं जेई के सिंपल नहीं, मैं जेई के एक्चुअल क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जैसे अभी जो इस बार आए जनवरी में पूरे करूँगा। सिंपल टफ आप बनाते हो, आप बार बार उसे टफ मत बोलो। जेई मतलब टफ एग्जाम नहीं है, कंसेप्शन लॉजिकल है, करने का तरीका अलग होना चाहिए। मेरे साथ आप करोगे आपको टफ से टफ क्वेश्चन भी इजी लगेगा, क्योंकि वो अप्रोच ही सिंपल है। बिल्कुल 11th 12th फाउंडेशन बेस से करने की आदत है मुझे, वही चीज़ आप भी डेवलप करो। ट्रिक्स पे नहीं, कंसेप्ट पे जाओ, लॉजिक पे जाओ, सॉल्विंग अप्रोच पे जाओ। इतनी अच्छी ट्रिक्स है, आप सारी ट्रिक्स भूल के मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप जिसे ट्रिक्स बोलते हैं वो ट्रिक्स मेरी ऐसी है कि किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई हो, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अप्लाई होने वाली ट्रिक्स में हम फेल हो जाते हैं कि अरे ये ट्रिक्स लगेगी कि नहीं, ये लगेगी नहीं, ऐसा नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंसिडर अ क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ, 2 गर्ल्स की टीम लेनी है, ओके, टीम बनानी तो सिलेक्शन होगा, 3 बॉयज की टीम और एक 3 बॉयज होना चाहिए, ये हो गया, दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द क्लास इफ देर आर 2 स्पेसिफिक बॉय एंड बी हु रिफ्यूज टू द मेंबर ऑफ द सेम टीम। अब देखिए अगर ये ए और बी को रिफ्यूज, अब देखिए मैंने आपको हमेशा बोला जेई में जब क्वेश्चन आएगा और बाकी एग्जाम में आएगा तो क्या अंतर है, बाकी एग्जाम में आता तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता और इतने में आंसर भी आ गया होता आपका, ठीक है। आप क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 × 4 / 2 × 1 = 7 / 6 = 5/3। अब कोशिश करा करिए जितना शॉर्ट में कर पाए उतना अच्छा है, 10 है, ये हो गया कितना 35 यानी 350। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा एक और चीज देखिएगा कि 350 एक ऑप्शन भी है। अगर मैं इसके ऑप्शंस को भी देखूं तो एक और खास बात समझ में आती है, जैसे इसका ऑप्शन एक 200, एक है 300, एक है 500 और एक है 350, राइट, इसका मतलब 350 ऑप्शन भी, पर 350 नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगाया कंडीशन की, किसी भी टीम में ये दो खिलाड़ी एक साथ नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो भी टीम कमेटी बना रही है उसने बोला हुआ है कि ए और बी को साथ में नहीं रखना। अब इसमें हर की केस आ गए, अब हमें वो केस कंसीडर नहीं करना जिसमें ए और बी एक साथ रहे होंगे, बस ये सोचिए। अब आप इसमें से वो केस माइनस कर दीजिए कि ए और बी लिए होंगे, मैं आपसे बोलूं करना किसको, फिर अपने आप से पूछिए आप। ए और बी को मैंने मान लिया कि ले ही लिया टीम में, वो अभी क्रिकेट 11 देखो मैंने आपको बोला ना क्या होता है, आप बहुत पढ़ लेते हो फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक नहीं सीख पाते, क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते, मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखता हूं, मैंने अपने कोर्स में भी इस बात का बहुत ध्यान रखा है कि क्या चीजें हैं जो डेवलप करो कि आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कैसे पढ़ो कि आप कोई भी बुक सॉल्व कर लो, ये नहीं कि कौन सी बुक करना, बल्कि कोई भी बुक सॉल्व कर लो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, राइट। अगर आप 12th में हो, आप IIT का एग्जाम दे रहे हो, NDA का दे रहे हो, तो आपको NDA वाले या IIT वाले क्वेश्चन जो आए हुए वो बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, उससे 20-30% हाई लेवल पढ़ना है। अब मैंने यहां पर बोला जो मैंने बोला था, 1 पर्टिकुलर प्लेयर नेवर सिलेक्टेड, 2 पर्टिकुलर प्लेयर नेवर सिलेक्टेड, सपोज ये 2 को कभी भी सिलेक्ट ही नहीं करना होता या 2 को ऑलवेज सिलेक्ट करना होता, तो मैंने पहले टोटल केस निकाले माइनस दिस 2 प्लेयर सिलेक्टेड, हम ये हमेशा सिलेक्ट हो वो कर रहा है, करना किसको आपको, आपने ये 2 को सिलेक्ट कर लिया
पहले ही, तो अब आपके पास एक और बंदे की सिलेक्शन की जरूरत है। ये माइनस करेंगे कौन से बच्चे, पांच में से एक या गर्ल्स तो वही रहेंगी, 5C2 यानी 5C1 होता है 5, 5C2 5 × 4/2 यानी 10, यानी 50 माइनस कर दीजिए तो 300, दिस इज द राइट आंसर। 300 द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन की जो टेक्निक्स हैं वो एक बहुत मैटर करती है कि आप क्वेश्चन को किस टेक्निक से सॉल्व कर रहे हो, सारा कंसेप्ट इसी पे है अदरवाइज। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फिर बोलूंगा, अभी तो मेंस है, अभी जब इसके पेपर्स होंगे वो पेपर के पूरे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, ऐसा भी नहीं कि एक भी छोड़ूंगा, हर क्वेश्चन आप बोलोगे बहुत ईजी, कोई और देख रहा होगा आप तो आपको टफ लगेगा, मैं आपके साथ बिल्कुल श्योर हूँ कि आप मेरे सॉल्यूशन का तरीका किसी और का देखेंगे बहुत डिफरेंट अप्रोच होगी, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ नंबर वन कि बुक के सॉल्यूशन नहीं, कैसे सिंपलेस्ट वे में उसको सॉल्व किया जाए वो एक थॉट होना चाहिए, और वो भी बेसिक के थ्रू। यही एक चीज़ है यूएसबी जो आपको डेवलप करनी है, ये डेवलप कर ली क्वेश्चन आपको देख के बनेंगे, इसलिए मैं आपको बोलूंगा अभी एग्जाम आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से अगर आपने 11, 12 का फाउंडेशन अच्छे से किया है आप पॉजिटिव माइंड से दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज मैं बताऊं आपको इम्पिटस के साथ ऐसे ऐसे बच्चे जुड़ते रहे, 9th 10th तक के स्टूडेंट्स अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं 11th 12th की, और उनको बन रहा है बिल्कुल सिंपल तरीके से, कहीं कोई कुछ चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, क्वेश्चन सुनिएगा क्या है, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7000, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7000 विच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 0, 1, 3, 7, 9, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ठीक है, ऑप्शन ए 250, 374, 372 और 375। क्या क्वेश्चन है सुनिएगा, ये क्वेश्चन आप देखते चलिएगा, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7000 विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0, 1, 3, 7, 9, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम समझें तो 7000 से कम बोला है, डिजिट मेंशन नहीं है, ये भी मैंने आपको अभी करवाया, तो इसका मतलब वन डिजिट नंबर भी हो सकता है, सोचिए टू डिजिट भी हो सकता है, केस नंबर टू, थ्री डिजिट भी हो सकता है एंड फोर डिजिट भी हो सकता है, एंड रिमेंबर वन डिजिट के कोई भी नंबर होंगे तो जीरो नहीं लेंगे, फोर केसेस हुए, जब टू डिजिट के लेंगे तो पहले प्लेस पर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, आप कंसेप्ट को समझो, पहले प्लेस पर जीरो नहीं आएगा तो कितनी पॉसिबिलिटी, फोर पर अगले पे आ जाएगा 5, यानी 20, बस हो गया, इसके बाद तो कुछ नहीं करना, 4, 5, 5, 100, इसमें क्या होगा 4, 5, 5, 5, हाँ ये कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ रिपीटेशन अलाउड है, पर यहां पर याद रखिएगा फोर्थ केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले प्लेस पर 9 नहीं आ सकता, देखिए फिर गड़बड़ ना हो, 9, 7, 3, 1 ग्रेटर देन हो जाएगा, तो पहले प्लेस के लिए 0 और 9 को छोड़ दीजिए, तो कितनी पॉसिबिलिटी 3, पर अगले पे आ जाएगा 5, 5, 5, यानी 125 इंटू कितना हो जाएगा 3, क्लियर है बात, दूसरे प्लेस पर क्या आ सकता है। अच्छा ये एक और चीज याद रखना है कि जब यहां पर 7 आएगा, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे ध्यान देना है कि लेस देन बोला है मतलब 6 से कम, तो आप यहां पर क्या क्या ले सकते हो, 1, 3, 7, ये भी मिस्टेक हो सकती है आपसे, अगली जो मैं बता रहा हूं मिस्टेक होने के चांस, ये भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता सोचिए, क्योंकि अगर आपने यहां पर 7 ले लिया तो 7 के ऊपर के भी नंबर बनने लगेंगे, ये भी ध्यान रखना है, तो यहां पर केस जो होगा यहां सबसे ज्यादा मिस्टेक होने वाली थी, क्या करेंगे तो पहले प्लेस पर आप केवल 103 ले सकते हैं, यानी 2 पॉसिबिलिटी हुई, बट नेक्स्ट प्लेस पे पूरे 5, 5, 5, अब प्रॉब्लम खत्म, 125 इंटू 2 250, तो 250, 300 एंड 20 एंड 4, यानी 374, दिस इज द राइट आंसर, राइट 374 इज अ राइट आंसर, ये इसकी टेक्निक थी सॉल्व करने की। अगर आपकी टेक्निक्स पे कमांड है, यहां पे मैं बता रहा हूं इसलिए मैंने स्टार्टिंग बोला था, यहां पे आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होने वाली थी, पहले 4 लिख सकते थे 3 लिख सकते थे, नो सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि जब ये नंबर लिखते हो आप 120 तो ये क्या है, नंबर नहीं है ये पॉसिबिलिटी, अगर ये साइड में एग्जांपल्स पे लिख दिए तो आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएगी। नोट करिए क्वेश्चन को,
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है जो आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए वो कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन को समझिएगा क्या है। क्वेश्चन है समेशन आई इक्वल टू 1 to 20 20 CI-1 अपॉन 20 CI + 20 CI-1 इक्वल टू दिया है K/21 देन द वैल्यू ऑफ K, ये पूछा है आपसे। अब सुनिए इसके ऑप्शन क्या है। 200, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत बेसिक चीज लिखवाई थी सोचिए कि कितनी बेसिक चीजों से पेपर सॉल्व होता है। यस, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि ध्यान दें, अच्छा ये सॉरी क्यूब है, 20 CI-1 upon 20 CI + 20 CI-1 = K/21 देन 250 ये आंसर दिए होते मैंने जो आपको अभी बताया। अब इसमें एक चीज समझिए, जो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई अगर उनको यूज कर लिया तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे NCR + NCR-1 = N+1 CR, राइट। ये देखिए क्या होता है कि क्वेश्चंस को किस अप्रोच से कर रहे हैं सारा खेल इस पर डिपेंड करता है। ये जो बेसिक फॉर्मूले मैंने रिवाइज करवाया सोची उससे ही आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन है, बस इसको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आई लिख दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ जो चीज कंफ्यूज करती है आप उसे मत सोचो ना आई लिखा है, आपको ही तो करना है, आप इसे आर मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, आई भी लिखा रहे तो चलेगा। अब देखिए इन दोनों में वन का डिफरेंस है, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, आर इक्वल टू 1 to 20 जिस टर्म में कंफर्टेबल होते हैं आप उसमें बना ले, ये 21 CR हो जाएगा = क्यूब है, यहाँ पर याद रखिएगा पहले ही भूल गया था K/21। अब इन दोनों का रेशो, अब इन दोनों के रेशो में देखिए ऊपर 21 है नीचे 21 है ऊपर 20। अगर मैं इसको आपसे अलग से सॉल्व करवाऊं तो आप यही लिखते हैं ना, फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल R-1 इंटू फैक्टोरियल 21 - R। नीचे क्या आता, फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल 21 - R, ये इससे कैंसिल, राइट। यहां पर ये एक बच जाएगा, क्या ये कैंसिल हो गया तो R बच गया और ये कैंसिल हो गया तो 21। यानी आप एक तरह से बोल सकते हैं R इक्वल टू 1 to 20 R upon 21 का क्यूब इक्वल टू K/21। वैसे ये भी एक प्रॉपर्टी थी, अब जैसे उस समय मिस हो गई, याद रखिएगा अगर ऐसा लिखा हुआ, अभी ये रेसिप्रोकल है कि NCR upon N-1 CR-1, तो ये फॉर्म में रेशो आ सकता। अब देखिए यहां पर 21 का क्यूब बाहर आ गया 21 और एक तरह से R इक्वल टू 1 to 20 R क्यूब बचा, यानी सिग्मा क्यूब वाला कंसेप्ट लग गया। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी आपके लिए हो गया, इक्वल टू K/21, एक 21 तो वैसे ही कैंसिल। अब R क्यूब क्या होता है, N × N+1, तो N इसमें स्क्वायर होता है × N+1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 21 इक्वल टू K, ये भी कैंसिल, ये कितना हो गया 20 × 20 / 2 × 2 = K, ये भी 10 times कैंसिल, ये भी 10 times कैंसिल, देन K = 100। यदि क्वेश्चंस को अगर आप प्रॉपर टेक्निक से सॉल्व करो तो ऐसा होगा नहीं कि क्वेश्चन ना बने, एक बार बेस पूरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो आपके क्वेश्चन अपने आप होने लगेंगे। नोट कर लो क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। इफ आर इक्वल टू 0 to 25 50 CR × 50 - RC (25 - R), दिस इक्वल टू K × 50 C (25), देन द वैल्यू ऑफ K। एक बात पक्की है कि ये इससे निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा तो K बचेगा, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे, ये अलग पेपर का है, अलग शिफ्ट का, 25 का स्क्वायर 2 की पावर 25 एंड 2 पावर 24।
क्या होगा देखते हैं पहले। अब देखिए इसमें एक चीज समझिए, r इक्वल टू जीरो ये बाद में लिखेंगे। अब क्या होता है, लिखने में भी मैं हमेशा बोलूंगा कि जो चीज बार बार क्यों लिखना है आपको, आप बाद में लिख लो। आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर देखें तो ये 50 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r इंटू 50 माइनस r है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये 50 माइनस r अपॉन 25 माइनस r इंटू फैक्टोरियल 25 ही बचेगा, ये आपस में कैंसिल, राइट। अब यहां पर एक चीज बताइए आपको एक तरह से क्या बचा, दिस इक्वल टू के टाइम्स ऑफ दिस, वो बाद में लिखेंगे। ये मिला 50, यहां पर एक फैक्टोरियल 25 है, ठीक है इधर लिख देता हूं मैं, एक फैक्टोरियल 25 और ले लेते हैं हम, क्यों बताता हूं। ये देखिए 25 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई 25 का डिवाइड, यहां पे लिखा आर और ये हो गया 25 माइनस आर इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 50 सी 25। अब देखिए ये भी 50 सी 25 है, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, 50 सी 25 है, कांस्टेंट हो गया, कैंसिल हो गया। अब केवल समेशन नोटेशन इस पे लगेगा और बेसिकली ये है क्या 25 सी आर, ये दिया है आर इक्वल टू 0 टू 25। अब दिस इक्वल टू के, आर की वैल्यू 0 रख दो तो आपको मिलेगा 25 सी 0, 25 सी 1 से लेके 25 सी 25 तक, दिस इज 2 पावर 25, यानी वही एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 इन सब का समेशन कितना होता है 2 पावर n, ये लग गया। अब यही चीजें हैं जो आपको समझनी है कि क्वेश्चन में क्या करना है। ये करने के बाद जब सारा खेल 25 पे चल रहा था तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये 25 माइनस आर है तो एक 25 और, अगर 25 माइनस आर है तो ऊपर 25 फैक्टोरियल लिख दो। नीचे लिखा ये अपने आप ही, अब देखो इसको अलग से टाइम की 50 सी 25 ना, जो चीज जहां समझ में आ जाए वहां लिखो मत बल्कि उसको कैंसिल करके आगे बढ़ते चलो। नोट करो क्वेश्चन को, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, किस तरह का क्वेश्चन है, कैसे करना है। और ये एक क्विक रिवीजन है, पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से करवा पाऊं, जितना बेस्ट हो सकता उतना बेस्ट, ये अच्छे से कर लिया प्रोबेबिलिटी बनेगा। और दूसरा ये कि इन टॉपिक्स के रिवीजन का एक पर्पज ये भी है कि आपको अगर फाउंडेशन आता है 11th 12th का बेस आता है तो कम घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उस जो चीज आती है उसके बेस पर ही पेपर सॉल्व होगा, बस उसको अच्छे से रिवाइज करो। आईआईटी के लिए कैसे पढ़ना है वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताई हुई हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, देयर आर एम मैन, देयर आर एम मैन, क्वेश्चन आप लोग, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग के पास होंगे ये क्वेश्चन, देयर आर एम मैन एंड टू वुमेन, और टू वुमेन है, ओके मैन का नंबर नहीं पता, एम है, एंड टू वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन अ चेस टूर्नामेंट, चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ईच पार्टिसिपेट प्ले टू गेम्स, मतलब जो भी टीम सेलेक्ट होगी वो टू गेम खेलेगी, ईच पार्टिसिपेट प्ले टू गेम्स विथ एवरी अदर पार्टिसिपेंट, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गेम प्ले बाय मैन बिटवीन देम, मैन जितने भी गेम खेलेंगे तो मैन एम सी टू और हर एक को टू गेम खेलना है बोला है। इफ द नंबर ऑफ गेम प्ले बाय मैन बिटवीन देम एक्सीड द नंबर ऑफ गेम प्ले बिटवीन द मैन एंड वुमेन बाय 84, ओके मैन और वुमेन को अगर मैं सिलेक्ट करूं तो एक मैन लूंगा टीम बनाने के लिए, एक वुमेन, क्योंकि चेस बोर्ड में दो ही लोग लगते हैं और हर एक टू गेम खेलना है, वो 84 से एक्सीड कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ एम, बस हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन भी पुट कर सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन एक बार मैं फिर समझा देता हूं कि चेस बोर्ड का गेम है और एम आदमी है, कितने भी हो सकते हैं 10 20, और केवल टू वुमेन है, तो अगर मेन आपस में ही खेल रहे हो और हर मेन हर टीम जो है वो टू मैच खेलती है, इसलिए टू टाइम करा एम सी टू, मतलब पहले दो प्लेयर लिए और फिर उनको दो गेम खिला दी, वो है इक्विवेलेंट टू वन मैन वन वुमेन के गेम से 84 एक्सीड, तो वैल्यू ऑफ एम बतानी। अब आपके पास तरीका है कि आप चाहे तो एम की वैल्यू पुट कर दें, चाहे तो ऑप्शन से कर लें। अब देखिए 2 इंटू एम एम माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 एम इंटू 2 प्लस 84, लॉजिकली ये 2 से 2 कैंसिल, एक तरह से आपको ऐसा मिल गया एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू 4m प्लस 84, या एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस 84 इक्वल टू 0, राइट, ये आपको मिल गया फिगर। अब आप इसमें से देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू m की सेटिस्फाई कर रही है, या इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। तो सपोज इसके फैक्टर बनाए तो 84 लाना है आपको, है ना, तो अगर 12 7 कर लें हो गया m माइनस 12 इंटू एम प्लस 7
तो m की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, तो m इक्वल टू 12, तो 12 इज अ राइट आंसर। कंसेप्ट बना के पढ़ोगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे क्वेश्चन ना बने। बेस जितना स्ट्रांग होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच उतनी अच्छी होगी। टफ से टफ क्वेश्चन कर लोगे, बेस स्ट्रांग होगा। टफ क्वेश्चन करोगे बिना बेस बनाए, ना टफ क्वेश्चन होंगे ना बेस बनेगा, वहीं पे डिप्रेशन या कंफ्यूजन होता है। इस बात को ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।